हेलो स्टूडेंट्स, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का स्टडी कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, ओवरव्यू लिया था और एक एग्जांपल लिया था वॉल्यूम का। काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रैंडम मोशन में इधर उधर जाते रहते हैं, उनके पास एक अच्छी खासी वेलोसिटी होती रहती है, वेलोसिटी से इधर उधर भागते रहते हैं। आइडियल गैस के केस में तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है एनर्जी ड्यू टू मोशन। आइडियल गैस के केस में एक ही एनर्जी है काइनेटिक, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ही नहीं, बिंदास वेलोसिटी से कोई रोकने वाला नहीं है, कोई खींचने वाला नहीं है, बिंदास वेलोसिटी से इधर उधर भागेंगे। ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इस थ्योरी को लेके हम गैसेस का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल वॉल्यूम का लिया था, एक कंटेनर में एक गैस स्प्रे कर दो, वो पूरा का पूरा जो कंटेनर है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ने बोला है ना कि उनके पास काफी हाई स्पीड है मॉलिक्यूल के पास, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स हर तरफ चले जाएंगे, बस वॉल पार नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके लिए जिधर जिधर वॉल, जो भी कंटेनर है वॉल से डिफाइंड कंटेनर, वो हर जगह पसर जाएंगे, हर जगह पे स्प्रेड हो जाएंगे। जैसे हमने ये वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम गैस अपने कंटेनर का पूरा शेप, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल है काइनेटिक थ्योरी से, हमने एक एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इसी तरह प्रेशर और टेम्परेचर को भी समझेंगे, राइट। क्या मैं प्रेशर को ये जो मोशन है राइट वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्या मैं टेम्परेचर को इंटरप्रिट कर सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी या मोशन से लेके, वो हम इस वीडियो में करेंगे। फिर हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने एक क्यूब निकाल के रखा है, ये उसका एक्स एक्सिस लिया, ये एक कॉर्नर जो है क्यूब का वो लिया है मैंने ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स काफी सारे हैं इसमें, अभी मैं एक मॉलिक्यूल पे फोकस कर रहा हूं, काफी है लेकिन चलो एक पे फोकस करते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल पे फोकस करते हैं। अब मेरे को निकालना है प्रेशर, मैं क्या करूंगा, मैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। तो मैं ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो इस वॉल को कोलाइट करेगा तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, कितना मोमेंटम उस पे ये करेगा, कितना मोमेंटम एग्जर्ट करेगा। फिर मोमेंटम को लेके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लूंगा, फोर्स आएगा, फिर फोर्स के लेके प्रेशर आएगा, ऐसे कुछ तो प्लान है मेरा, राइट। मेरा प्लान है कि ये मॉलिक्यूल जब इस वाईजेड प्लेन में, ये जो ऐसा वाला प्लेन है राइट, वाई एक्सिस ये हो गया, जेड एक्सिस इस तरफ आएगा क्योंकि एक्स इस तरफ है, तो ये जो वाई जेड प्लेन में ये मॉलिक्यूल इसको जब टक्कर देगा तो कितना मोमेंटम एक्सर्ट करेगा, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करके फोर्स निकालूंगा, फिर फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर निकालूंगा, ऐसे कुछ तो करने वाला हूं मैं। अब इसके लिए ना मेरे को दो तीन अजम्पशंस करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, राइट। पहला अजम्पशन ये है कि ये जो गैस है ये एक स्टेडी स्टेट में है, राइट। इसकी वजह से क्या है कि मैं अभी सिर्फ वॉल के साथ कोलिजन, वॉल के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मोमेंटम फोर्स प्रेशर राइट, कितना कर रहा है वही कंसीडर करूंगा। अगर गैस स्टेडी स्टेट में है तो ऑन एन एवरेज जो वेलोसिटी रहेगी पूरे गैस की, उसको एक पकड़ के चलना है, उसको कांस्टेंट पकड़ के चलना है, क्योंकि स्टेडी गैस है, इक्विलिब्रियम में है, भले डायनामिक इक्विलिब्रियम है, अंदर हलचल हो रही है, लेकिन एवरेज पैरामीटर, एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट पकड़ के चलूंगा, एक गैस स्टेडी स्टेट में है। मतलब अगर इसने रास्ते में किसी के साथ कोलाइड कर भी लिया वॉल आने के पहले और इसकी वेलोसिटी कम भी हो गई, तो भी कहीं और इधर कहीं तो दूसरा मॉलिक्यूल होगा कहीं और आसपास में, जिसने कोलिजन करके स्पीड बढ़ा दी होगी और इसकी ओरिजिनल स्पीड के जैसा आ गया। यानी ऑन एन एवरेज मेरे को कॉन्स्टेंट रखना है, पहला अजम्पशन स्टेडी स्टेट में है गैस, राइट। तो मैं सिर्फ प्रेशर मेरा कौन डिफाइन करेगा, कोलिजन विद द वॉल, कोलिशन अमॉन्ग देमसेल्व्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा समझ लो कैंसल आउट हो रहा है, एवरेज सेम रह रहा है, ठीक है। दूसरा अजम्पशन मैं लेने वाला हूं कि ये जो कोलिशन से ये इलास्टिक है, कोलिशंस है वो इलास्टिक है, एक दूसरे के साथ भी और वॉल के साथ भी, कंटेनर की कोलिशन इलास्टिक है। इसका मतलब क्या होगा कि जब कोलिशन होगा राइट, तब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कहीं कुछ लॉस नहीं हो रहा है राइट, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, मोमेंटम कंजर्व होगा राइट, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी,
और मोमेंटम भी कंजर्व होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर अभी हम, मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। और तीसरा अजम्पशन, आइडियल गैस है, जो गैस है ये आइडियल गैस है, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो है, उसके पास अगर कोई एनर्जी है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ मोशन की वजह से एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जीरो है, एक दूसरे को नहीं खींचते, गैस के मॉलिक्यूल्स जिधर चाहिए उधर बिंदास भाग सकते हैं। ठीक है, ये अजम्पशंस लेके, ऐसी एक सिचुएशंस लेके आगे बढ़ते हैं। पहला टारगेट मोमेंटम कितना एग्जर्ट किया, फिर फोर्स, फिर प्रेशर। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इस वॉल पे टकराएगा, अगर ये सीधा सीधा टकराया, ऐसा सीधा सीधा ऐसा टकराया तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, राइट। वाई और जेड कंपोनेंट में कोई वैसे भी चेंज नहीं है, राइट। एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स आएगा, राइट। कोलिजन इलास्टिक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। पहले अगर vx है तो अभी माइनस vx होगा। अब आप बोलोगे कोलिजन तो अगर ये वॉल है तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, राइट, ऐसे भी हो सकता है। देखो कुछ भी हो जाए, कोलिजन अगर इलास्टिक है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। और देखो अब नॉर्मल वॉल पे अगर बॉल मारते हो, अगर मैंने ऐसे मारा तो ये पहले भी ये वाला कंपोनेंट जो है y वाला अगर ऊपर है, राइट, ऐसा तो पहले भी वो उधर ही जा रहा था। अगर आप अच्छे से देखो वॉल पे बॉल मारते हो तो बॉल किस तरह से जाता है, अगर ऑब्जर्व करो तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी y और z कंपोनेंट में, राइट। अगर इस वॉल को वो ऐसा मार रहा है, राइट, ऐसा मार रहा है पकड़ो, तो y तो पहले भी ऐसे ही था और कोलिजन के बाद भी वो ऐसे जाएगा, y फिर भी वैसे ही रहेगा और इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से वो मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहेगा। देखो वॉल पे आप अलग अलग बॉल मार के देखो, यू विल रियलाइज, राइट, कि सिर्फ ये जो वॉल को परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल, उसी में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बाकी दोनों में नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो मान लो उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी एक्स डायरेक्शन में वी एक्स, वाई डायरेक्शन में वी वाई, जेड डायरेक्शन में वी जेड, ऐसी कुछ वेलोसिटी थी, वी वाई वी जेड नहीं बदलने वाला, लेकिन कोलिजन के बाद मेरा जो वी बिफोर है और वी आफ्टर है, वी आफ्टर है तो आफ्टर वाला माइनस वी एक्स हो जाएगा, वी वाई वी जेड ऐसे हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। इन दोनों के ऊपर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसी में फर्क नहीं, इसके मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गई, राइट। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बात चल रही है अभी, वॉल की नहीं मॉलिक्यूल की, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, राइट, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मान लो मास एम है तो राइट फाइनल मोमेंटम माइनस एम इंटू वी एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव वी एक्स, राइट, तो माइनस टू एम वी एक्स, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया मॉलिक्यूल का। अभी अगर मैं मॉलिक्यूल और वॉल को एक सिस्टम पकड़ लू, मॉलिक्यूल या कंटेनर को एक सिस्टम पकड़ लू, राइट, तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, इसका मतलब वॉल पे कितना मोमेंटम एक्सर्ट किया मैंने, प्लस टू एम वी एक्स, टोटल जीरो होना है ना, क्योंकि पहले जब ये मॉलिक्यूल मोशन में नहीं था, जब गैस नहीं डाला था पकड़ लो, राइट, मॉलिक्यूल मोशन में नहीं था, वॉल को कुछ नहीं हुआ था, राइट, तब तो मोमेंटम दोनों का जीरो था, वॉल तो वैसे ही स्टेशनरी था और मॉलिक्यूल जब स्टेशनरी था वैसे ही मोमेंटम जीरो था, तो बिफोर ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम जीरो था। अभी मॉलिक्यूल का सिस्टम अगर माइनस टू एम वी एक्स है तो वॉल का टू एम वी एक्स होना पड़ेगा, तभी टोटल मोमेंटम बिफोर आफ्टर सेम होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल कितना आएगा, टू एम वी एक्स, ये ठीक है, टू एम वी एक्स इसका मोमेंटम आ गया, वॉल के ऊपर जो एक्सर्ट किया गया इस कोलिजन की वजह से उतना आ गया, ठीक है, ठीक है, इसको सेव करके रखते ये इंफॉर्मेशन। देखो अभी ये तो सिर्फ मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाला है, राइट, करेक्ट, ये एक मॉलिक्यूल की वजह से, एक मॉलिक्यूल की वजह से। अब मेरे को पूरे मॉलिक्यूल्स लेता हूं मैं, अब क्या करता हूं मैं देखो कितने डेल्टा टी टाइम में कितने मॉलिक्यूल्स, डेल्टा टी टाइम में
कौन से मॉलिक्यूल्स इसको कोलाइड करेंगे, क्या लगता है? एक वॉल्यूम लेना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स उसको कोलाइड करेंगे, उस वॉल्यूम का लेंथ एरिया, तो खैर इसका एरिया ए है पकड़ लो, राइट, इसका एरिया ए है पकड़ लो, और वही मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर पाएंगे जो वी इंटू टी डिस्टेंस पे है, वी एक्स इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस पे है, राइट। तो जहां पे लेंथ वी एक्स इंटू डेल्टा टी रहेगा, ये वाला डिस्टेंस वॉल से लेके, राइट, और एरिया ए, राइट, तो ये लेंथ हो गई, तो वॉल्यूम वी एक्स डेल्टा टी ए, इस वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स ही उसको हिट कर पाएंगे डेल्टा टी टाइम में। ये तो ठीक है, सिंपल है, टाइम इतना है, स्पीड इतनी है, तो इतना डिस्टेंस होगा और इतना वॉल्यूम होगा, एरिया ए है, उतने ही मॉलिक्यूल्स हिट कर पाएंगे। अभी कैसा है, क्या सारे मॉलिक्यूल्स उधर ही जाते रहेंगे? ऑन एन एवरेज अगर हाफ मॉलिक्यूल अलोंग पॉजिटिव एक्स जा रहा है तो हाफ मॉलिक्यूल अलोंग निगेटिव एक्स आएंगे, तो मेरे को सिर्फ आधे कंसिडर करने हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करेंगे, वो रहेंगे हाफ वी एक्स ए डेल्टा टी, इतने मॉलिक्यूल्स उसको कोलाइड करेंगे वॉल को डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में इतने मॉलिक्यूल्स उस वॉल को जाके हिट करेंगे हाफ वी एक्स ए डेल्टा टी, ठीक है। तो ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने कोलाइड हुए गिवन वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में, हमारे ये जो वॉल्यूम लिया है हमने इसके, इसमें के, राइट, तो अभी भी पूरे नहीं है, अभी जो मैंने एक वॉल्यूम पकड़ा है, ये एरिया ए और ये वाला डेल्टा टी वाला, यही अगर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ, लेट एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर लेता हूं मैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पूरा गैस में, अभी गिवन वॉल्यूम में नहीं, पूरा में, तो इतने वॉल्यूम में अगर इतना, तो टोटल में इतना, राइट, पर यूनिट वॉल्यूम अगर ए एन है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो टोटल मिल जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग, कितना होगा, एन बाय टू कर लेते हैं, हाफ जो है वो ए डेल्टा टी, इतने होंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करेंगे, बराबर है, करेक्ट, इतने होंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल का मास एम लिया है, है ना, तो इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मास मिल जाएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना निकाला था मैंने, इतना, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम इतना निकाला था जो वॉल पे एग्जर्ट किया, 2 mvs, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा वॉल पे जो एग्जर्ट किया, ये वन मॉलिक्यूल का है, दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल, टोटल कितना आएगा इससे मल्टीप्लाई कर दो, राइट, तो 2 और 2 गया, अच्छा ठीक है कर लेते हैं, 2 mvx इंटू एन बाय 2 vx ए डेल्टा टी, ये ए है और ये डेल्टा टी, ये हो गया टोटल मोमेंटम, चलो 2 2 कट गया, vx स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आएगा मेरा, m n vx का स्क्वायर ए डेल्टा टी, इतना आएगा, इतना टोटल मोमेंटम आएगा, ठीक है। मैं थोड़ी इधर का पार्ट डिलीट करता हूं, जगह चाहिए, इरेज करता हूं, डिलीट नहीं, ठीक है। तो इतना टोटल मोमेंटम एग्जर्ट हुआ, अब ठीक है ना, अभी फोर्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम से डिवाइड, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, है ना, तो फोर्स जो आएगा वो आएगा एन एम Vx का स्क्वायर इंटू ए डेल्टा टी गया, प्रेशर कितना आएगा, एरिया से डिवाइड कर दो, एन एम वी एक्स का स्क्वायर, देखो ये प्रेशर आ गए प्रेशर पे क्या, लेकिन ये प्रेशर वो है जो चाहिए हमको, देखो हमने ओवरऑल प्रेशर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमने ये सिर्फ वी एक्स डायरेक्शन वाला लिया है, हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग सारे लिए है, वॉट अबाउट वाई, वॉट अबाउट जेड, राइट, और ये क्या सबका है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, क्या ये सबका वेलोसिटी है, राइट,
नहीं, मैंने एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया था, तो क्या सबका वेलोसिटी सेम होना चाहिए? नहीं, एक का vx स्क्वायर है, दूसरे का थोड़ा कम हो सकता है, तीसरे का ज्यादा हो सकता है, राइट? तो क्या करें, तो इसको एवरेज से रिप्लेस कर देते हैं, एवरेज लिखते हैं। हमने एवरेज तो कॉन्स्टेंट रहेगा, स्टेडी स्टेट में है करके पहले ही बोला है ना। तो एवरेज कैसे करें? कुछ नहीं, राइट? तो सारे एक्स डायरेक्शन का एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, राइट? सिर्फ एक्स डायरेक्शन का एवरेज, तो वी एक्स का एवरेज, एवरेज करके स्क्वायर किया, नहीं तो सारे के स्क्वायर्स के एवरेजेस है, स्क्वायर्स के एवरेज, दिस इज मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, राइट? अभी सिर्फ अलोंग एक्स डायरेक्शन क्यों? हमने बोला गैस स्टेडी है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, आइडियल गैस है, वो सब बोला हमने, राइट? डिफ्यूज्ड हर जगह प्रॉपरली, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अगर ऐसा है तो जितना वी एक्स के इसमें है उतना ही वी वाई के इसमें रहेगा, फिर उनके स्क्वायर्स भी इक्वल रहेंगे, उतना ही वी जेड में रहेगा, तीनों इक्वल रहेंगे। तो क्या मैं वी एक्स स्क्वायर को इनका एवरेज के टर्म्स में लिख सकता हूं, राइट? एवरेज क्या आएगा? वी एक्स का स्क्वायर, देखो एवरेज ऑफ स्क्वायर्स है ये, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स है, वी वाई का स्क्वायर, वी जेड का स्क्वायर बाय थ्री, राइट? चलो 1/3 बाहर निकाल देता हूं, ये उसका एवरेज हो गया। क्या वी एक्स स्क्वायर या वी वाई स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है? क्योंकि तीनों इक्वल है, लिखा जा सकता है। मतलब क्या मैं प्रेशर को ऐसे लिख सकता हूं? इसको वी बोलेंगे हम, ये जो टोटल है एवरेज उसको वी बोलेंगे, राइट? तो क्या मैं प्रेशर को ऐसे लिख सकता हूं वी एन एम, वी नॉट वी एक्स वी वाई, वी राइट का स्क्वायर का मीन, स्क्वायर्स का मीन, स्क्वायर्स का मीन है ये, इसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर्स का मीन, ठीक है? तो ये है मेरा प्रेशर का डेरिवेशन, राइट? मैंने प्रेशर को भी वेलोसिटी के टर्म्स में निकाला, राइट? एंड ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बराबर है, आप वेलोसिटी को, उसको मोशन को स्टडी करके आप प्रेशर निकाल सकते हो। वॉल्यूम तो पहले ही हमने बोल दिया, अब थोड़ी देर में हम टेम्परेचर भी निकालेंगे, टेम्परेचर भी निकालेंगे। तो ठीक है, ऐसे निकला हमारा प्रेशर। तो इस तरह से हमने प्रेशर देखा है, ठीक है? चलो समरी देख लेते हैं इसका, जो हमने देखा वही मैंने लिखा है, एक बार देख लो, राइट? राइट, वही सब लिखा है, कोलिशंस इलास्टिक है, मॉलिक्यूल्स इंसेसेंट रैंडम मोशन में रहते हैं, कोलाइडिंग वन अगेंस्ट वन अनदर, एंड ये वो कोलिशन इलास्टिक है, प्रेशर का जो फॉर्मूला किया, और वो जो वी स्क्वायर है मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड्स है, हमने क्या किया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर को डिवाइड बाय थ्री किया, उनका मीन निकाला, दिस इज मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड्स। चलो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर समझ लेते हैं। ये मैंने निकाला है पीवी इज इक्वल टू, देखो मैंने पूरा डेरिवेशन इधर ही लिखा है तो बोर्ड पे नहीं करता हूं, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर, ये मैंने अभी अभी निकाला, वी स्क्वायर एवरेज वी स्क्वायर, राइट? तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी वी स्क्वायर का एवरेज, ऐसे है, राइट? अब मैं क्या करता हूं, मेरे को भी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, देखो एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होती है, जब हम आइडियल गैस बोलते हैं उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, जो भी टोटल इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक है आइडियल गैस के पास, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम है वी स्क्वायर है, हाफ नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, टू से मल्टीप्लाई करता हूं और टू से डिवाइड करता हूं, ये तो परफेक्टली अलाउड है मेरे को, है ना अलाउड, ये है ना, ये क्या हो गया एनर्जी, ये हो गया एनर्जी, राइट? तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2/3 एन ई, क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं, राइट? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, राइट?
तो एन अगर मैं टोटल ये कर रहा हूं मास, देखो ये एक मॉलिक्यूल का मास है, टोटल मास की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये एन इंटू एम मास हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं पीवी, राइट। फिर पीवी इक्वल टू, दो फॉर्मूले पता है मेरे को, एनआरटी भी पता है और एनकेबीटी भी पता है ना। तो अगर मैं एनकेबीटी लिखता हूं, एनकेटी लिखता हूं, तो मेरा ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 3/2। मैं इसको ई पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी एन से डिवाइड कर देता हूं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें, राइट, एनकेबीटी में, तो 3/2 केटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केवी बोलता हूं मैं बुक पर। तो ये हो गया, तो एक मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ना ही वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ना ही प्रेशर पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 3/2 केबीटी होता है, ठीक है। तो देखो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, यहां पे हम सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं ना, वो जो फॉर्मूला निकाला मैंने प्रेशर का, वो सिर्फ ट्रांसलेशन का था, राइट, उसमें रोटेशन वगैरह कंसिडर नहीं की थी हमने, वाइब्रेशन कंसिडर नहीं की थी, राइट। इंटरनल एनर्जी एंड ए पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल आइडियल गैस का जीरो होता है, बचा काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी का हमने अभी अभी निकाला केबीटी, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। और एक चीज है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, राइट। तो ये फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला ले लो, देखो आप इसको पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं तो आरटी के टर्म्स में भी आता है, ये आरटी के टर्म्स में भी आता है, राइट, आप खेल सकते हो एक बार, आपका क्लैरिटी आ गई तो। तो देखो वी आरएमएस, आरएमएस क्या है, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो उल्टा आओ, जब आरएमएस लिखते हैं आपको उल्टी दिशा से आना है, सबसे पहले स्क्वायर लेना है, याद है vx स्क्वायर, vy स्क्वायर, vz स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर लेना है, फिर स्क्वायर का मीन लेना है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर बाय 3 किया था मैंने, फिर मीन लेना है, फिर उस चीज का रूट लेना है, यानी वो जो ये था इसका अगर रूट लिया तो उसको मैं आरएमएस स्पीड बोल पाऊंगा। तो वी आरएमएस क्या है, इस चीज का रूट, राइट। तो इसको मैं 3PV अपॉन MN का रूट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी करके, राइट, भी लिख सकता हूं, तो इसका काफी ये है, राइट। तो इसको अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको रूट ऑफ, इसको रूट 3PV अपॉन MN, 3PV अपॉन MN, एक मॉलिक्यूल का मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और 3PV, राइट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम थे ये, है ना। तो इसको अगर आप ये करते हो, PV इक्वल टू NRT कर दो, सो 3NRT, देखो ये N जो है नंबर ऑफ मोल्स, इसको µRT करते हैं और ये MN करते हैं, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, 3RT छोड़ दो, राइट, ये इसको आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टोटल मास, राइट, एक मॉलिक्यूल का मास, नंबर ऑफ टोटल मास डिवाइडेड बाय मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल का मास, राइट। तो इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो MN by mu would be m, तो mu upon mn क्या होगा, 1/n, यानी क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3RT by m, बिल्कुल लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो। सिमिलरली आप इसको 3KT by m, ये देखो दूसरे, जब आप k यूज करते हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करते हो, तो आप सिंगल मॉलिक्यूल का मास लेते हो, और जब आप r यूज करते हो तो आप एक मोल का मास लेते हो, जो r है वो मोल के लिए है और जो के है वो मॉलिक्यूल के लिए है, ऐसा समझ के चलो, इजी होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ध्यान में रख ले हो, ये दो ही फॉर्मूले नहीं है, आप इसको खेल सकते हो, देखो इसको ये भी फॉर्मूला पी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, राइट, तो अलग अलग कर सकते हो आप, इसको डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हो, मास है वॉल्यूम है ना, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो वॉल्यूम अपॉन मास, 1/ डेंसिटी, आप 3P बाय रो भी बोल सकते हो, खेल लो, एक ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, उसके साथ जो करना है कर सकते हो, ठीक है। तो चलो एग्जांपल देखते हैं, दो तीन। अ फ्लास्क कंटेन्स अर्गॉन एंड क्लोरीन,
in the ratio 2:1 by mass. The temperature of mixture is 27 degree centigrade. Obtain the ratio of average kinetic energy per molecule. काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल यानी एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होता है 3/2 kT. इसमें कहां नंबर ऑफ मोल और क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कांस्टेंट हो गया. अगर टेम्परेचर अर्गोन और क्लोरीन दोनों का एक ही है 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी सेम आएगा, तो रेशियो क्या आएगा 1:1, बस ज्यादा सोचना नहीं है, राइट. रूट मीन स्क्वायर, अच्छा ऑब्टेन द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड वी आर एम एस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस. अभी हमको वी आर एम एस का रेशियो निकालना है, तो वी आर एम एस हम किस कौन से इसमें लेंगे, हमको एटॉमिक मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, ठीक है, तो हम एटम और मॉलिक्यूलर मास यानी हमको कैपिटल एम दिया है, राइट. तो हम आरटी वाला यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास दिया है, कैपिटल एम दिया है, 3RT/m का रूट, वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, राइट. तो चलो एक एक का निकालते हैं अभी, राइट. तो पहले एटॉमिक मास ऑफ अर्गॉन, अर्गॉन मोनो एटॉमिक है, एक ही एटॉमिक है, यानी वो एटम का भी मास उतना है, मॉलिक्यूल का भी मास उतना है, राइट. तो 39.9 जो है वो रहेगा इसका कैपिटल एम ऑफ अर्गॉन, क्योंकि एक ही है ना, मोनो एटॉमिक है, एक ही पर मॉलिक्यूल एक एटम, राइट. तो एटम का मास मॉलिक्यूल का मास, तो मेरा वी आर एम एस ऑफ अर्गॉन जो रहेगा वो रहेगा 3RT/m, राइट. तो कैपिटल देखो टी सबका कांस्टेंट है, आर कौन, आर टी दोनों का सेम है, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है. तो अगर मैं इसको ऐसा देखूं वी आर एम एस अर्गोन का डिवाइडेड बाय वी आर एम एस क्लोरीन का, यही निकालना है ना मेरे को, टू गैसेस बोला है, कौन सा पहले कौन सा ऊपर नहीं लिखाया, हम ऐसे निकालते हैं जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में दिया है वो. तो एम का अल्टरनेट आएगा, यानी ये एम ऑफ क्लोरीन, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा, एम ऑफ अर्गॉन ऐसे आएगा. तो एम ऑफ क्लोरीन जो है वो है 79.9 और ये 39.9, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर, ये आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है. चलो अगला देखते हैं क्या बोलता है ये. सेम गैस इज फिल्ड इन टू वेसल्स ऑफ सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, गैस सेम है, एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है. If the ratio of number of molecules is 1:4, then RMS velocity of gas molecules in two vessels will be same. क्या RMS velocity same रहेगा, अगर देखो उनका volume same है, temperature same है, लेकिन number of moles जो है वो 1:4 है, right? Gas same है, गैस सेम है, तो उनका जो मोलर मास वगैरह रहेगा, एक मोल का मास वो सेम रहेगा, एक मॉलिक्यूल का मास सेम रहेगा, राइट. द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन टू वेसल्स विल बी सेम, आरएमएस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, क्या सेम रहेगी, 3RT/m. भले ही नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है लेकिन एक मोल का मास तो सेम रहेगा ना, ये तो मोलर मास हो गया, एक मोल का मास वो तो सेम रहेगा क्योंकि सेम गैस है. अगर एक जगह नाइट्रोजन एक जगह हाइड्रोजन होता तो ठीक है, उनके मोलर मास अलग अलग है, बट सेम गैस है तो मोलर मास तो सेम रहेगा ना, राइट. तो अगर ये है तो इसका एम तो सेम रहेगा, राइट. अगर इसका एम सेम है, आर और टी तो सेम है ही, सेम टेम्परेचर भी दिया है, टी सेम है, एम सेम है, तो वी आर एम एस तो सेम रहेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है. द रेशियो ऑफ प्रेशर्स विल बी 1:4, राइट. रेशियो ऑफ प्रेशर्स विल बी 1:4. देखो प्रेशर का क्या आएगा, प्रेशर सेम नहीं है, राइट, दिया नहीं है ऐसे कुछ, तो रेशियो ऑफ प्रेशर्स क्या आएगा, प्रेशर के लिए क्या करोगे आप, प्रेशर का क्या फॉर्मूला है आपके पास, 1/3 nm² ऐसा, या आरएमएस है, राइट, ऐसा है. आरएमएस तो सेम है लेकिन क्या एम सेम है, राइट.
ये टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, राइट। अगर उनका नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है तो उनका मास अलग अलग आएगा, है ना। ये मास हो गया ना टोटल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ वन मोल, राइट। तो जो एनएम है वो मास हो गया टोटल, वो नथिंग बट नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास हो गया, है ना। ये नंबर ऑफ मोल, राइट, इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूं, पी इज इक्वल टू 1/3 नंबर, अच्छा ये एन एन, चलो नंबर ऑफ मोल को म्यू करते हैं, म्यू वन म्यू टू म्यू एम, राइट। तो 1/3 म्यू एम वी आर एम एस का स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूं मैं, राइट। तो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंडेंट करता है, अगर नंबर ऑफ रेशियो बाकी सब तो सेम है तो हाँ 1:4 रहेगा, तो बी भी करेक्ट है। क्या रेशियो ऑफ प्रेशर 1:1 रहेगा? नहीं, अभी हमने बोला 1:4 रहेगा। क्या आरएमएस वेलोसिटी 1:4 रहेगी? नहीं, हमने पहले ही बोला 1:2। तो ए और बी करेक्ट है। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं पर रुक जाते हैं, कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।